हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसे आज से पहले ना तो आपने कभी बनाया होगा और ना ही कभी खाया होगा। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस चटपटे और नए से नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो घंटी आती है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर जब भी नई वीडियो आए इसकी नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके और आप फटाफट से वीडियो को वॉच कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे पोहा। तो यहाँ पर हमने 1 कप जितना पोहा लिया है। तो पोहा आप मोटा या पतला कोई भी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बीच वाले पोहे का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। तो यहाँ पर हम एक बोल ले लेंगे और एक छन्ना ले लेंगे। सबसे पहले अपने पोहे को हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी गंदगी वगैरह हो वो निकल आए। इसके बाद हम इसे पानी से वॉश करेंगे। 2 से 3 पानी हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी गंदगी वगैरह हो वो निकल आए और हमारा पोहा अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर पोहे को हमने 1 से 2 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है। तो पोहे को हम इसी बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे ताकि पोहे अच्छे से फूल जाए। क्योंकि हमने यहाँ पर मोटे वाले पोहे का इस्तेमाल किया है तो इसे फूलने के लिए थोड़े से पानी की ज़रूरत होगी। अगर आप पतले पोहे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पोहे को बस 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करके उसे ड्राईली ही रख लेना है। यानी कि उसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि हमारे जो पतले वाले पोहे हैं वो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप इस टिप्स को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पोहे जब तक फूल रहे हैं तब तक की अपनी हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड, चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम जार ले लेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी धनिया। तो धनिया की जो क्वान्टिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 कलियाँ लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को स्किप कर सकते। 1 गांठ हम इसमें ऐड करेंगे अदरक का टुकड़ा। 4 से 5 हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से रोस्टेड चने, तकरीबन 2 छोटे चम्मच जितना। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपको। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जितना साबुत जीरा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। इससे हमारी चटनी बहुत ही ज़्यादा चटपटी लगेगी। तो इस तरह से सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप जितना पानी और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये थिक सी चटनी रेडी हो चुकी है। हमने यहाँ पर रोस्टेड चने का इस्तेमाल किया है। इससे हमारी जो चटनी होगी वो बिल्कुल भी पानी नहीं बनेगी। तो चटनी को हम एक दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और आप चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो फ्रेंड, अब अपने नाश्ते के लिए हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना तेल। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जितनी महीन वाली राई। अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना साबुत जीरा। इन दोनों को ही हम अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते। इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। सारी चीज़ों को हम अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी हम इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। तो प्याज को डालकर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारी जो प्याज है वो अच्छे से कुक हो जाए और इसमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो जैसे ही हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइस। तो सबसे पहले हम इसमें कलर के लिए डालेंगे 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर। हल्दी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर। अगर आपकी हरी मिर्च बहुत ज़्यादा स्पाइसी है तो आप लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच जितना धनिया पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे गर्म मसाला, तकरीबन 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। तो अब अपने सारे मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही हमारे मसालों से अच्छे से खुशबू आने लगेगी तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 उबले हुए मैश किए हुए आलू। तो यहाँ पर हमने आलूओं को हाथों से ही अच्छे से मैश कर लिया। आप चाहे तो इन्हें कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो आलूओं को डालकर हम मसालों के साथ इसे अच्छे से भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही हमारे आलू अच्छे से भून जाएंगे और इसके अंदर का सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तब एक मैशर की हेल्प से हम इसे मैश कर देंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुटलियाँ या फिर लम्ब्स वगैरह ना रहें। तो आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। ये काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। नमक डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसकी जगह पर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे खूब सारी फ्रेश बारीक कटी हुई हरी धनिया और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 सेकेंड के लिए और अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये चटपटी सी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब फटाफट से अपने पोहे को चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारा पोहा काफ़ी अच्छे से फूल गया है और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, हल्का सा ड्राई है। इसी तरह का आपको पोहा चाहिए इस नाश्ते को बनाने के लिए। तो अब हम एक मिक्सिंग जार ले लेंगे और अपने सारे फूले हुए पोहे को हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से फाइनली पीस लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इसे पीसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, तकरीबन 1 से 2 चम्मच के करीब। इससे ज़्यादा पानी आपको इसमें नहीं डालना है। तो चलिए फटाफट से इसे हम पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पोहे को अच्छे से पीस लिया है, तो कुछ इस तरह का फाइन पोहा हमने पीसा है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ वगैरह नहीं है। तो इसे अब हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइस। तो सबसे पहले हम इसमें स्पाइस के लिए ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप डालें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक आप बहुत ही कम डालिएगा इसमें, यानी 1/4 चम्मच जितना ही। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जितना साबुत जीरा, आप चाहें तो जीरे की जगह पर अजवाइन भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी फ्रेश बारीक कटी हुई हरी धनिया और इन सभी चीज़ों को हम डालकर अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पोहे का मिक्सचर है वो थोड़ा सा हाथों में चिपक रहा है, इसलिए इसे थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच जितना चावल का आटा। इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छे से क्रिस्पनेस भी आएगी और काफ़ी अच्छे से बाइंडिंग मिलेगी हमारे डो को। तो बस 2 छोटे चम्मच जितना चावल का आटा हम इसमें डालेंगे, बहुत ज़्यादा आटा इसमें नहीं डालेंगे। अगर आपका पोहा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है तो आप अपने चावल के आटे की क्वांटिटी को इसमें बढ़ा भी सकते हैं। तो डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी लगेगा हमारा नाश्ता। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब थोड़ा सा हाथों पे तेल लगाकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम इस तरह से हल्का सा गूंथ लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहे और ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो 1 से 2 मिनट अच्छे से मसलने के बाद हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब फटाफट से अपने नाश्ते को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब फटाफट से अपने थोड़े से अमाउंट में इस डो को हम हाथों में ले लेंगे और इसे हम इस तरह से हल्का सा राउंड कर लेंगे। उसके बाद हम हाथों की हेल्प से ही इसे इस तरह से हल्का सा फ्लैट करते जाएंगे, यानी कि इसे बढ़ाते जाएंगे। और ये काम आपको बहुत ही हल्के हाथों से करना है क्योंकि ये पोहे का आटा है, यानी कि पोहे का मिश्रण है, तो इसे आपको बहुत ही सॉफ्टली करना है। तो इस तरह से जितना पतला हो सके आपको इसे पतला कर लेना है। और इसके बाद हमने जो अपनी स्टफिंग तैयार की है उसे हम 1 से 2 चम्मच के करीब इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और स्टफिंग को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो स्टफिंग को अच्छे से सेट करने के बाद हम इस तरह से इसके कॉर्नर्स को अच्छे से बंद कर देंगे ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी बाहर ना आए और जो भी एक्स्ट्रा आटा निकलेगा उसे हम निकाल देंगे और इस तरह से हल्के हाथों से इसे अच्छे से राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे कचौड़ी भी बोल सकते हैं, टिक्की भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से आपके सारे नाश्ते को बनाकर रेडी करना है। तो चलिए फटाफट से अपने सारे नाश्ते को बना लेते हैं। तो फ्रेंड हमने अपने सारे नाश्ते को अच्छे से शेप दे दिया, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको सारे नाश्ते को बनाकर रेडी करना है। तो अब फटाफट से चलेंगे अपने नाश्ते को सेकने की तरफ। तो यहाँ पर हम एक पैन में 2 छोटे चम्मच के करीब तेल डाल लेंगे और तेल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा एक एक करके अपने नाश्ते को हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम एकदम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर यह नाश्ता बहुत ही कम तेल में फ्राई हो जाता है और बिल्कुल भी पैन पर या फिर तवे पर चिपकता नहीं है। आप चाहें तो इसे तवे पर भी सेक सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लोहे के पैन पर सेक रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको इसे अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप चाहें तो इसे स्टीम भी कर सकते हैं, स्टीम करके भी खा सकते हैं, उससे हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाएगा। तो जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं वो इस तरह से इस नाश्ते को स्टीम करके भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है और इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अब इसे हम फटाफट से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से अपने बाकी बचे नाश्ते को भी फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स बनकर तैयार हो चुका है हमारे पोहे का ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और चटपटा नाश्ता और आप देख सकते हैं कितना कम तेल में हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और इसके अंदर जो स्टफिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें कॉमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।